ग्वालियर शहर की हजीरा पुलिस ने युवती की शिकायत पर गोल्ड लोन कंपनी में काम करने वाले एजेंट विवेक सिंह तोमर के खिलाफ बलात्कार, मारपीट और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह कि आरोपी विवेक सिंह तोमर ने गोल्ड लोन कंपनी में काम करने वाली 27 साल की पीड़ित युवती को बताया था कि वह अविवाहित है। विवेक ने किसी तरह लड़की से नजदीकी हासिल कर ली, बाद में दोनों प्रेम हो गया। इसके बाद विवेक सिंह तोमर ने बरकर बड्डी के बगल में स्थित कृष्णा गेस्ट हाउस में उसे पिछले साल 30 जुलाई को मिलने के लिए बुलाया, जहाँ विवेक सिंह तोमर ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इसके बाद लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो वह उससे कटने लगा। लड़की ने जब विवेक सिंह के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। इसके बाद लड़की को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उसने हजीरा थाने पहुंचकर आरोपी विवेक सिंह तोमर के खिलाफ बलात्कार, मारपीट और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी विवेक सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। हजीरा थाना अंतर्गत 376 का मामला क्या पूरा है? हजीरा थाने पर एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो गोल्ड लोन कंपनी में काम करती है और वहीं पर एक व्यक्ति जो है गोल्ड लोन कंपनी में एजेंट का काम करता था और उससे दोस्ती हो गई थी उनकी, और दोस्ती के बाद उस व्यक्ति ने उन्हें विश्वास में लेकर शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बना लिए। और जब उसने पता करा कि उसने शादी का बोला तो शादी भी नहीं करी उसके साथ, और जब उसने उसके बारे में डिटेल पता करा तो पता चला कि वो पूर्व से शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं। तो उससे पीड़ित होकर उसने थाना हजीरा में अपने रिपोर्ट दर्ज कराई। हजीरा पुलिस द्वारा तत्काल उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई धारा 376, 323, 294 की, और आरोपी को तत्काल हजीरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।